तो इधर नक्सलियों के हमले जारी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार सीमा पार से फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। बीती रात पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर गोलीबारी की जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक शख्स भी इसमें घायल हुआ है। पाकिस्तान ने रात 11 बजे के करीब ये फायरिंग की जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोले दागे गए हैं उनमें से एक गोला नौशेरा सेक्टर में रहने वाले मोहम्मद हनीफ के घर के पास आकर गिरा जिसमें हनीफ और उसकी बीवी घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन दुर्भाग्यवश महिला की मौत हो गई। ये उसमें यही पाया गया कि जो इंजरी हुई है एक इंसान को और महिला की मृत्यु हुई है। बाकी अभी तक हमारे पास कोई नुकसान का अभी तक नहीं पूरा पता चला और हमारी टीम्स गई हुई हैं फील्ड में कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। स्कूल वगैरह बंद किए गए हैं क्या करना? हाँ, हमने एहतियात के तौर पे जितने भी बॉर्डर के साथ लगे गांव हैं वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनको हमने बंद किया है।